इधर उपचुनाव की घोषणा के बाद भाजपा में कलह और विद्रोह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि विजयपुर विधानसभा 2 से विधायक रामनिवास रावत को मोहन कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। इसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई और वहीं बीजेपी से पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री रामनिवास रावत पर भी निशाना साधा और कहा है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी तो वो बागी ही हो जाएंगे और दूसरी पार्टी से बीजेपी के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे। बिल्कुल, जब दुनिया ही बदल रही है, सब संसार ही बदल रही है, तो हमें बदलो, हमें क्या लग रही है भाई। रामनिवास के पास कहाँ बाहुल है, 15,000 वोट है रावत का, हमारे शहरी समाज का 60-70,000 वोट है। मेरा कहना है कि मुझे टिकट चाहिए पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा।